ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में हैं और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में दिल्ली नागरिक उड्डयन मंत्री बन चुके हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सिंधिया के लिए बधाइयों का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शपथ लेने से पहले ही उन्हें मंत्री पद की शुभकामनाएं दी थी, लेकिन करीब 2.5 साल पहले दिग्विजय सिंह के विरोध के कारण ही सिंधिया सीएम बनने से चूक गए थे। तब सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे। बात 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के ठीक बाद की है, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा था। चुनाव प्रचार के दौरान सिंधिया कांग्रेस की अभियान समिति के प्रमुख और मुख्य प्रचारक थे। दूसरी ओर कमलनाथ प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष थे। ये दोनों ही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के करीब थे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। सिंधिया का दावा मजबूत था क्योंकि उनके प्रभाव वाले चंबल ग्वालियर क्षेत्र में कांग्रेस को 34 में से 26 सीटें मिली थी। कमलनाथ के प्रभाव वाले महाकौशल इलाके में कांग्रेस को 38 में से 24 सीटें मिली थी। सिंधिया का दावा मजबूत इसलिए भी था क्योंकि वे तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से इनर सर्किल में शामिल थे। राहुल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकारों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गए तो सिंधिया को अपने साथ ले गए। तमाम संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही मध्य प्रदेश के सीएम बनेंगे। इस दौरान खेल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की एंट्री हुई। दिग्विजय खुद को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं थे, लेकिन सिंधिया के सख्त खिलाफ थे। दिग्विजय ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया जिसमें 31 विधायक उनके बेटे जयवर्धन सिंह को बधाई देने पहुंचे थे। जयवर्धन राघोगढ़ विधानसभा सीट से जीते थे। कहने को तो ये सारे विधायक जयवर्धन को पहली बार चुनाव जीतने पर बधाई देने आए थे, लेकिन इसका राजनीतिक मकसद कुछ और था। दिग्विजय ने फोटो शेयर कर सिंधिया को यह संदेश दिया कि सीएम पद की रेस में नहीं होने पर भी उनके साथ 31 विधायक हैं, इसलिए 26 विधायकों के समर्थन से सिंधिया का दावा मजबूत नहीं होता। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।